हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग जो है वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो है वो अब आपने बिल्कुल जो है वो कंप्लीट कर रखी होगी। जैसा कि आज 15 फरवरी है, कल 16 तारीख से आप सभी की बोर्ड परीक्षा जो है स्टार्ट है, तो सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ। अब बोर्ड परीक्षा के दौरान क्या क्या चीज़ों की हमें सावधानी रखनी है, कई बार हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको आगे क्या करना है एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो आज बिल्कुल पर्याप्त नींद लें। ये ना हो कि देर रात तक पढ़ते रहें, समय से अपना सो जाएं और सुबह जो है वो समय से उठें, यानी अपनी पर्याप्त 7-8 घंटे की नींद जो है वो लें, ताकि आपके अंदर जो है वो फ्रेशनेस रहे। ऐसा ना हो कि पेपर देने के टाइम तक जो है वो बिल्कुल थक जाएं। और सुबह उठकर बिल्कुल अपनी नॉर्मली जैसे दिनचर्या रहती है वैसे रहें। बहुत ज़्यादा पढ़े ना सुबह, केवल मेन मेन चीज़ों को देख लें। और बिल्कुल ये चीज़, नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल दिमाग में ना आए कि अभी तो हमको ये चीज़ नहीं आती है, वो चीज़ नहीं आती है, लाओ वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ऐसा ना करें। ठीक, तो सभी लोग जो है वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो के आराम से बिल्कुल कूल रहें और पेपर 100% जैसा आपने पढ़ा है, ठीक, पेपर उसी के मुताबिक आएगा। बहुत ही इजी पेपर होगा, आप सब कर लेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और जो भी टाइमिंग है, दोपहर जैसे 2 बजे से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है, सुबह 8 बजे से हाई स्कूल का है, तो अपने परीक्षा केंद्र पे जो है वो 1 घंटा पहले ही पहुँच जाए। और पहुँच कर जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो बातचीत करें, ताकि मूड जो है वो फ्रेश रहे। और पढ़ाई की बातचीत उसमें बिल्कुल ना करें, क्योंकि होगा क्या, अगर हम पढ़ाई की बात करने लगे तो हम और ज़्यादा टेंस आ जाएंगे, बहुत टेंस हो जाएंगे। मान लीजिए आपके दोस्त ने पूछा हमें ये चीज़ ज़रा बता दो, और आपके दिमाग से वो चीज़ उसमें उतर गई है, तो क्या होगा? आप उस चीज़ को दिमाग में लाने के लिए क्या करेंगे, हम कॉपी वगैरह देखेंगे, टेंस हो जाएंगे। देखिए, परीक्षा में जो चीज़ आएगी वो सीमित आएगी, तो उस समय हमें वो चीज़ें याद आ जाए, लेकिन बाहर तो पूछा जाएगा तो कुछ भी पूछा जा सकता है, असीमित हो सकता है। इसलिए बिल्कुल कूल रहें, आराम से सोएं और पर्याप्त नींद लें, हेल्दी सुबह खाएं और अपनी सेहत पे सब लोग विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय मौसम बदल रहा है, बीमारियां भी आ रही हैं, तो सेहत का ध्यान रहे। इस समय सेहत ख़राब ना होने पाए, अगर थोड़ी भी समस्या लगती है तो तुरंत प्रिकॉशंस जो हैं वो पहले से लें और डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि अगर इस समय तबीयत ख़राब हो गई तो आपके पूरे 2 साल की मेहनत जो है ख़राब हो जाएगी। और पेपर सभी का बहुत अच्छा होगा, आप एक बार उसको रिमाइंड करके जाएं कि क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो टीचर्स ने बताई हैं, और कॉपी कैसे लिखनी है एक बार फिर से आप देख लें उसको, वीडियो को, कि किस तरह से कॉपी लिखनी है, फ्रंट पेज कैसे लिखना है। इसमें बिल्कुल गलती ना हो, परीक्षा के दौरान कोई भी ऐसे संसाधन ना ले जाएं जो कि आपको संदेह के घेरे में ला के खड़ा कर दें। इसलिए जितना अपने आप पर भरोसा रखें, कोई चीटिंग का सहारा ना लें, जितना आपको आता है उतना आप करें, 100% पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक, और बाकी सब आपको पहले से ही पता है कि कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे क्या करना है, बस यही है कि अपने आप पे भरोसा रखें। और अगर अपने आप पे आपने भरोसा रखा तो पक्का मुझे लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और जो आप मार्क्स आपने सोचे हैं कि हम लेकर आएंगे उससे भी अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर आएंगे। तो फिर से सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से परीक्षा दें, बिल्कुल नकल के चक्कर में ना पड़ें। ठीक, अपने आप पे भरोसा रखें, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक, ऑल द बेस्ट, और जैसा भी हो बताते रहें कि पेपर कैसा हुआ। थैंक यू।